लुधियाना सेटिंग बंद करो बंद करो बंद करो। दिया लुधियाना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं पहले भी प्रोटेस्ट करता रहा, पहले भी इन्हों दसदा रहा भी स्कूल खुले फीस लो, स्कूल खुले फीस लो, ना तंग करो। पहले ही लॉकडाउन तो लोगों को मार पई हुई है, बिजनेसमैन पहले ही लक टुटिया होया, काम पहले ही नहीं है, उपरों इन्होंने होर मार पाई हुई है। पूरी फीस दो, जिहड़ा बंदा लेट फीस दे रहा उन्होंने भी यह कहें नाल चार्ज असी ला गए थोड़े तो, नाल एनुअल चार्ज ला गए। मैं समझ नहीं आती जो थोड़े स्कूल खुले ही नहीं, जो थोड़ा कोई काम चल ही नहीं रहा तुसी कादी फीस लेनी है। एक तो व्यापारी पहले मले मरिया होया, पहले लॉकडाउन चलता सी, फिर शनिवार बंद करता, इतवार नू बंद करता, फिर एक दुकान खुलेगी, दूजी बंद होएगी, तीजी खुलेगी, चौथी बंद होगी। ये असी प्रोटेस्ट किए थोड़े मीडिया भरावान के थ्रू, हाथ जोड़ के बेनती की, शनि इतवार को अपन दुकाना खुलनिया शुरू हुई। जो दुकाना खुल गई ने तो गाहक नहीं लभदा, जे गाहक लभदा नहीं, जे आ जाता गाहक तो एक सौदा लै गया, दिहाड़ी दो सौदे लै गया, तो उन्हें गड्डी करती नहीं चलती। लोग मरे पे ने, लोग मरे पे ने। हुण अगली गल सुन लो, चार जने असी इन्हां कोल गए, हाथ जोड़ के ऐ खड़ गए, हाथ जोड़ के ऐ खड़ गए भी साडा तुसी पहले भी सानू तुहाडी गुहार लाई तुहाडे के साडे रिटर्न तुसी दित्ता इदां इदां, साडा उत्थे हाई कोर्ट साडा प्रोग्राम चलिया, उत्थे हाई कोर्ट च असी दित्ती है, साडे कोल सारा कुछ आ गया, थानू नोमीनेट किया गया, तुसी सानू इंसाफ दवाओ। उन्होंने इन्नी गल सुन के, जी मेरी मीटिंग है, मेरी ऑनलाइन मीटिंग है, मेरी आह मीटिंग है, मेरी उदा सू एदा कड़ता जिदा तो कार के बंदे कढ़िया हुंदा, जिदा कोई भिखारी ना कार वाले को जाके कोई कहिंदा ना मैनूं 10 रुपए दे दे, ओह तो कार के भजा दिंदा, उदा सू भिखारियां तरह तो कार के कढ़ता। मैनूं नहीं समझ आई सानू क्यों इन्होंने तो कार के कढ़िया, एक तो कम नहीं, एक लक टुटिया, एक बंदियां को पैसे नहीं। जे असीं तुहानूं कहिंदे आ तो भी ना तुसीं फीस लो, या जिन्हां कोल नहीं हैगी उन्हां कोल ना लो, जिन्हां कोल हैगी तुसीं लै लो। मैं हाई कोर्ट दे विच एक जो PIL चल रही है जिहदा 30/6/2020 नूं फैसला आया आ डबल बेंच वल्लों, जिहदे विच जज साहब ने ऑर्डर दित्ते सीगे भी जिहड़े पेरेंट्स फीसां पे कर सकते उह स्कूलां नूं प्राइवेट स्कूलों नूं जिहड़े अनएडेड उहनां नूं फीसां पे करदे, जिहड़े नहीं कर सकते वो अपनियां मजबूरियां दसदे होए स्कूल नूं एक एप्लीकेशन देण, स्कूल उहनां नूं जो है फीस विच रिलीफ दवाएगा। सो बहुत हासोई नहीं गल है, मेरे कई साथी स्कूलों के अलग अलग स्कूलों के गए, जो असी उत्थे दे डायरेक्टर नूं जां प्रिंसीपल नूं मिलदे आ उह सानूं इह गल कह दिंदे हैगे आ कि तुहाडियां जो एप्लीकेशन है देण दी डेट निकल चुकी है। मैं उहनां नूं बेनती की, मैं कहा जी सानूं डेट तां दस दिओ किहड़ी सी, तो वह कहिंदे जी अप्रैल दी डेट सी। अप्रैल दे विच तां ना तां असी LPA फाइल कीती सी, ना कोई हाई कोर्ट दा ऑर्डर आया सीगा, कोर्ट दा ऑर्डर तां 30/6 नूं आया, 30/6 तों बाद एप्लीकेशन देणियां सी। सो कहण दा मतलब है उन्होंने सानू भंबल भूसे विच पांदे होए उत्थों कढ दित्ता। उस तों बाद हाई कोर्ट दे ऑर्डर दे विच इक गल होर सी भी जे तुहाडियां स्कूल एप्लीकेशनां ते गौर नहीं करदा तां तुसीं संबंधित DO नूं मिलो, DO तुहानूं रिलीफ दवाएगा। सो 15 दिन पहला मैं DO साहब नूं मिलिया, मेरे साथी नाल आए आ, मेरे को रिसीविंग पई आ जिहड़ी मैं तुहानूं मीडिया नूं दिखा चुका हाँ, उहदे ते DO साहब की रिसीविंग पई है। DO ने उदन मैनूं विश्वास दवाया सी कि मैं 2 दिन दे विच विच तुहाडा इह जो प्रॉब्लम है सॉल्व आउट करके तुहाडे बच्चों नूं ऑनलाइन क्लासां दे विचों एडमिशन दवा देंगे। पर अज 15 दिन बीतन तो बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अज मजबूर हो के मैं अपने साथियों के नाल DO साहब नूं बेनती करन आया हाँ, तो DO साहब ने सानूं दरकार के भजाता कि मेरी मीटिंग होने वाली है, मेरे को तुहाडी गल सुनने लई कोई टाइम नहीं है। सो जे इस तरह चलता रहा मजबूर हो के जो है पेरेंट्स धरने प्रदर्शन से उतर के। एक गल मैं होर कहनी चाहना हाँ कि थानू याद होना मीडिया नू, थोड़े मीडिया चैनलों राही जो लॉकडाउन शुरू होया सी मानयोग CP साहब ने तो DC साहब ने लाइव हो के एक सारे नू बेनतियां कीतियां सी, सारे नू हदायतां दित्तियां सी कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी किसी तरह का जो मकान मालिक है या जो फैक्ट्री मालिक है वो अपने वर्करां नू, फैक्ट्री मालिक अपने वर्करां नू पल्लियों तनखाह देगा, तो मकान मालिक जो है किसी तरह का अपने किराएदारों तो रेंट नहीं लेगा। सो मैं बेनती करदा कि असी भी तो रेंट दे रहे हैं स्कूल वालों नू, साडे ते स्कूल वालों नू तुसीं इदां दे फरमान क्यों नहीं जारी कर रहे कि जे किसी ने लॉकडाउन की फीस ली तो मैं उत्ते कार्रवाई करूँगा। मकान मालक वालों तो तुसीं डंडे दे जोर नाल कहता भी जिहड़ा मकान मालिक अपने किराएदार तो किराया लऊगा मैं उन्हां ते कार्रवाई करूँगा, 144 लाऊंगा, 188 लाऊंगा। कि स्कूल वालों कोई भी थोड़े को धारा नहीं हैगी लाने वास्ते, जो पेरेंट्स नजायज लुट रहे हैं, कुट रहे हैं, बंद पे स्कूलों फीसां मंग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस मंग रहे हैं, बिजली के बिल मंग रहे हैं। तुसी एक चीज़ दसो, असी स्कूल वालों थोड़े भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपां स्कूल वालों हर महीने एडवांस फीस दें 10 तरीक तक, 11 तरीक एडवांस फीस दे उत्ते फाइन लाने शुरू कर देंगे
ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ।